हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 5 सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इलस्ट्रेशन 5, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ रेस्पेक्ट टू द जेके लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ईयर 2002, 2003, 2004, 2005, जेके लिमिटेड एवरेज शेयर प्राइसेस, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कंप्यूट बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी एज दिस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशंस। आपको बीटा वैल्यू निकालनी है, तो बीटा वैल्यू निकालने के लिए बीटा आपको क्या होता है, कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया और ये आपका मार्केट हो गया। और इसको ऐसा कैसे और लिखा जा सकता है, समेशन एस माइनस एस बार एम माइनस एम बार होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन एन एम माइनस एम बार होल स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा एस मीन्स एस रिटर्न, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एम मीन्स रिटर्न ऑफ द मार्केट। और इसको और ड्राइव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाई समेशन समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द जे के लिमिटेड। वाई जो है मार्केट रिप्रेजेंट करता है, मार्केट रिप्रेजेंट करता है, और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी का रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न ऑफ द मार्केट रिप्रेजेंट करता है। तो आपको रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ द मार्केट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारी डाटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब बताइए रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, रिटर्न का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, रिटर्न इक्वल टू क्या होता है, प्लीज देखिएगा, रिटर्न इक्वल टू पी वन माइनस पी जीरो प्लस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। और यहाँ पे आपका पी वन माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100 ये कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, और ये डिविडेंड पी जीरो इंटू 100 ये होता है डिविडेंड यील्ड। तो ये सारी चीजें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न ऑफ द जेके लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ जे के लिमिटेड दैट इज एक्स, यहां पे तो यहां 2002 टू 2003 है ईयर, टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फाइव। अब आपका क्या है रिटर्न का फॉर्मूला में देखिएगा, यहां पे मार्केट प्राइस इसको मानेंगे पी जीरो, इसको मानेंगे पी वन, ठीक है। अब डिविडेंड लेंगे हम तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड पी वन माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। अब आपको यहां पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 25 प्लस यहाँ पे मार्केट प्राइस 279
279 माइनस 242 होल डिवाइडेड बाय 242 इनटू 100, 242 इनटू 100। अब आप देखिए यहाँ पे 25 डिविडेंड करें, प्रीवियस ईयर का मार्केट कैप ही जीरो दिस, ठीक है। उसी तरह 305 माइनस 279 प्लस 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 प्लस 305 माइनस 279 डिवाइडेड बाय 279 इनटू 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 प्लस 322 माइनस 305 होल डिवाइडेड बाय 305 इनटू 100। अब यहाँ पे हो जाएगा 25.62%, 20.07%, 07%, 17.05%, 17.05%। ये आपका रिटर्न आ गया, किसका रिटर्न आ गया, जेके लिमिटेड का आ गया। उसी तरह हम रिटर्न ऑफ द मार्केट इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, और इसको हम रिप्रेजेंट क्या जिसे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट, मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स का रिटर्न निकालेंगे। इसमें हमने क्या देखा, देखिए आप यहां पे मार्केट को एवरेज इंडेक्स पॉइंट, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल लेंगे और डिविडेंड यील्ड ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे ईयर, टू थाउजेंड फोर, 2005। अब आपको यहां पे परसेंटेज इंडेक्स एप्रिसिएशन, परसेंटेज इंडेक्स एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, अब यहां फॉर्मूला होता है परसेंटेज पी वन पी जीरो डिवाइड बाई पी जीरो इंटू 100, और यहां पे डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिविडेंड यील्ड, यहां पे टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां कैसे होगा, प्लीज आप देखिए, 1950 प्लस 18, यहां पे 1950 माइनस 1812 इंटू 100, यहां पे ऐसे होगा 1950 माइनस 1812 डिवाइडेड बाय 1812 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.62%, 7.62%। फिर यहां पे क्या होगा, 2258 माइनस 1950 होल डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 100, 15.79। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 22 लास्ट में 2258 डिवाइडेड बाय 2258 इंटू 100, 1.68 माइनस 1.68। अब देखिए ये तीन साल हो गया, ये ईयर आपको यहां पे है, ठीक है ना। और डिविडेंड यील्ड में क्या है, यहां पे देखिएगा 2003 का डिविडेंड यील्ड 5%, 6%, 7%, यहां पे लिखेंगे 5%, 6%, 7%,
ये भी सारे परसेंटेज में है, 5%, 6%, 7%, टोटल रिटर्न 12.62%, और यहाँ पे हो जाएगा 21.79%, यहाँ पे हो जाएगा 5.32%, 5.32%। अब हम बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बीटा का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप हम बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ऑफ द सिक्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। यहां पे फिर ईयर लिखेंगे, टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फाइव। यहां पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज एक्स, रिटर्न ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट दैट इज द वाई। यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी में क्या क्या दिया था, एक्स में 25.62% 20.07% 17.07%, ठीक है ना। अब यहां पे 12.62% 21.79% 5.32% एक्स वाई में क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, तो 320 437.33 90.71। y स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 159.26 474.80 और 28.30। अब यहां पे टोटल सम करेंगे तो 62.74 हो जाएगा, ये 39.73 हो जाएगा, और यह ऐड करेंगे तो 851.36 हो जाएगा, 662.36। अब आपको x बार निकालेंगे समेशन x डिवाइडेड बाय n, 62.74 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल टू 20.91। यहां पे y बार समेशन y डिवाइडेड बाय n 39.73 होल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 13.24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बीटा निकालेंगे, बीटा, बीटा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड इनटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर एन वाई बार होल स्क्वायर, 851.36
पॉइंट थ्री सिक्स इंटू थ्री 20.91 इंटू 13.24 होल डिवाइडेड बाय 662.36 माइनस 3 इंटू 13.24 होल स्क्वायर दैट इज 851.36 माइनस 830.55 होल डिवाइडेड बाय 662.36 माइनस 136.47 0.15 ये आपका बीटा है, ठीक है ना। तो इस तरह हम बीटा निकालेंगे। यदि आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है सिक्योरिटी का और इंडेक्स का, इंडेक्स पॉइंट और इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है उस केस में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।